आइंदा कोई मस्ती की ना तो इसी जमीन में जिंदा गाड़ कर रख दूंगी तुझे, समझे? अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड, अरे इधर है तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं किधर किधर ढूंढते। मुझे लगा कि मेरा भाई गणेश आया। आया था क्या? अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड, रोने का नहीं, रोने का नहीं। अरे मेरे को मालूम है, मैं प्रॉमिस किया आपको आपका भाई से मिलाने को। मैं मालूम क्या किया है, पूरा जंगल में अपना आदमी फैला दिया है, अभी वो ढूंढ के लाएगा आपका भाई को। तो हम भी चले गणेश को ढूंढ के लेके आए। हाँ चलते आप। अरे मेरे डोचके में काय को नहीं आया, अरे कैसे जाएंगे, वो इधर है ना, वो मेरा पत्नी। अरे वो डायन है, डायन। अभी तेरा भाई आएंगे ना इधर, तो हम लोग बाहर जाएंगा, वो तेरा भाई अकेला पड़ जाएगा, वो अकेला पड़ जाएगा तो ये खा जाएंगी, उसको खा जाएंगी। पर गणेश को पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? ये तो सोचने की बात है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, एक पेपर पे इस घर की ड्राइंग बनाती हूँ, फिर वो ड्राइंग लेके हम गनू साहब के पेड़ पे चिपका देंगे, फिर गणेश उसे देख लेगा, फिर उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ, तो वो यहाँ आ जाएगा। पांडुरंगा क्या आईडिया है, क्या दिमाग है मेरा बेस्ट फ्रेंड का। दर्पण, वो सूर्य का भाई को है, अभी तुम आराम करने का, कल इधर मेहंदी का फंक्शन है, बहुत धूमधाम होएगा, तुम भी सबके साथ मिल के एंजॉयमेंट करने का। चलते आराम करने का। दर्पण, कल देवर जी के मेहंदी में पहनने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, ये लो, ये कल तुम पहनना, हाँ बहुत अच्छी दिखोगी। थैंक यू शीतल आंटी। चलो सो जाओ। गुड नाइट बच्चा। अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बात तुम तारों से कह दें, आई भी सुन ले। आई पापा, गणेश, मुझे बहुत याद आ रही है आप तीनों की। कितना मजा आता था जब हम तीनों साथ थे, फिर आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के। आई आप मेरी बात सुन रही हो ना, तो बाबा और गणेश जहाँ भी है आप प्लीज उनको बोल दो कि मैं यहाँ उनका वेट कर रही हूँ। सोने से तो बाबा और गणेश नहीं मिलेंगे ना, तो आई मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप और मेरे पापा की बहादुर बेटी अब से कभी नहीं रोएगी। प्रॉमिस आई। उठ जा जंगली, उठ जा। ये ले तेरे कपड़े। मुझे नहीं पहनने तुम्हारे फटे हुए कपड़े। तो फिर तू क्यों आई है हमारे घर? जब मेरे पापा वापस आ जाएंगे मैं अपने घर चली जाऊंगी। पहले ये देख तेरे बाबा के बारे में पेपर में क्या छपा है।
आलिया मिट्टी माँ मिट्टी जल्दी चल मिट्टी जल्दी आ मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते पापा ने आई को नहीं मारा आई पापा गणेश कहाँ चले गए आप सब अब यहाँ मेरे साथ कोई नहीं है अब यहाँ कौन करेगा मेरी हेल्प मैं करेगी तेरी मदद बोल क्या करना है वो क्या है ना जब मैं तेरे जितनी थी ना तब मैं बिल्कुल तेरे जैसे ही रोती थी लेकिन फिर मैंने सोचा अपुन का एको रोने का रोएगा तो वो जो अपुन को रुलाएगा तो बता तू काय को रो रही है नहीं मैं रो नहीं रही जरूर कोई हलकट तेरे को सताए रहेगा है ना नहीं वो पिंकी राग अब संचु है ना वो बहुत बुरे हैं वो पहले मुझे स्कूल में सताते थे अब मेरे आई बाबा के लिए बुरी बुरी बातें बोलते हैं अरे तो तेरे आई बाबा ने उनको डांटा नहीं आई वो तो आसमान में एक तारा बन गई है और पापा कहीं गुम हो गए मेरा गणेश भी पता नहीं कहाँ चला गया उसे तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं अकेली थी तो रोंतू अंकल मुझे यहाँ अपने घर ले आए पर यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता सिर्फ शीतल आंटी करती हैं नाम क्या तेरा दर्पण तू तो दर्पण जैसे ही साफ है रे हम इधर आ तू तो खूब अच्छी बच्ची है रे दर्पण हाँ अपने माँ बाबा की बहादुर बच्ची है ना तो एक बात बता तेरे माँ बाबा क्या कहते थे कोई सताए तो उन्हें सताने देने का कोई रुलाए तो रोने का नहीं नहीं ना वही तो मैं कह रही हूँ कोई अगर एक मारे ना तो उसे चार मारो कोई सताए ना तो उसको सीधा करो सबक सिखाओ समझी और मेरे को यकीन है तेरा जो भाई है ना वो तेरे को मिल जाएगा और तेरा जो बाबा है वो भी लौट आएंगे लेकिन तब तक इस घर में खूब अच्छे से रहना मस्त रहना एकदम किसी से डरना नहीं और खुद के लिए लड़ना समझी ये कजी तेरे साथ है अरे ये क्या तू तैयार नहीं हुई आज घर में मेहंदी है ना तो फिर जा तैयार हो जा ये मेहंदी की थाली मैं शीतल भाभी को देके आती है तू जा
दर्पण अंदर आओ। क्या हुआ बेटा, कोई काम है बेटा? ओह लाओ, मैं सुलझा देती। तुमको पता है मुझे बहुत अच्छे से चोटी बनानी आती है, और अलग अलग चोटियां बना सकती हूँ मैं, जैसे कि गंगा जमुना, मच्छी चोटी। आ जाओ। सुन बिटिया, तुझे मीठी माँ बुला रही है, तू जा। बच्चों को साबूदाना बड़ा दे दो। ठीक है भाभी। दर्पण, तुम्हें भी भूख लगी है ना? अरे कहाँ रह गई है शीतल भाभी, मेरे को घर भी जाने का है। मान मेरी बात, दुल्हन तो जाए। उनके ही कमरे में, अब उनके ही बिस्तर पे क्या कर रही तू यहाँ पे? मैं तेरे को डराने आई। दूल्हे राजा, पिछली बार का थप्पड़ भूल गया तू? अभी भी गर्ल का मसाज करवाना है या गर्ल अभी तक लाल है? हाँ चल जा, तेरी भाभी को बुला, तेरी मेहंदी देने की है उसको। और कुछ उल्टा सीधा किया ना तूने तो देख, ऐसा रंग लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। चल जा। बात बोलूं मैं तकरी? उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, अपने को बहुत बुरा लगा। अब उनकी गलती थी, वो अपने को दिल से महसूस हुई, और मैं तेरे से प्रॉमिस करता है कि कभी भी जिंदगी में ऐसी कोई बातिश नहीं करेगा। गलती हुआ, मैं तेरे आगे तेरे से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं जाता है अभी वापस, मैं गलती कभी करेगा ही नहीं। अब मैं जाकर आता है। क्या हो गया इसको? एक लावे में सुधर गया साला, इधर कहीं का वाह कजरी वाह। बच्चा लोग खाओ। शी, ये कैसा खाना है? मुझे नहीं खाना, मुझे बर्गर खाना है। जाओ मेरे लिए बर्गर लेके आओ। काय को खाले पीले दिमाग खाता है, बर्गर कहाँ से लाएगी मैं? तुम खाओ और तुम चाटो अपनी ये चट्टी, मुझे नहीं खाना। ये क्या कर रही हो, भाभी से शिकायत करेगी मैं? नौकरों के ऐसा रुआ? रुक जा तू, जा बोल दे आई को, हम नहीं डरता इसे। और ये अपना खाना भी लेके जा तू। ये सब क्या कर रहे हो, भाभी से बोलेगी मैं? जा मेरे लिए पिज्जा लेके आ। जाना पिज्जा 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 पिज्जा। ताई,
आपको चोट तो नहीं लगी? बड़ों के साथ ऐसा नहीं करते। बड़ी नहीं, नौकर है ये। तेरे साथ भी ऐसा करें क्या हम? संजू भैया चलो इसको धक्का देते हैं। रुको संजू भैया, हम इसकी कंप्लेंट मीठी माँ से करते हैं, वो ही इसकी खबर लेगी। चलो चलो। ताई आप इधर आओ मेरे साथ, बैठो इधर। ना ना बेटा, मेरे को मना है बैठना। बैठो आप। जंगली बंदरिया, अब तेरे को पता चलेगा अगर तू हमारे घर में हमसे पंगा लेगी तो तेरे साथ क्या होने वाला है। सब लोग जाके मीठी माँ को बोल देते हैं। अरे हाँ, देखी पंजा है, ठीक से दबाना। ये लड़की नहीं, सरदर्द है सरदर्द। जब से मेरी जिंदगी में आई है मुझे एक मिनट का चैन नहीं मिला है। मीठी माँ रुक जा। क्या है, दिख नहीं रहा मेरा सर दुख रहा है? आ गया भेजा चाटने को। माँ कहाँ है तेरी, काम कर गई वो? मेहंदी का काम है ना घर में? आई तो किचन में है। और तुम तीनों तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? दबाना, बोलना पड़ेगा। संजू भैया जाओ। मीठी माँ ये छोड़ रे, एक काम ढंग से नहीं होता, दे दे पैर दबा। छोड़ कहीं, क्या है? वो लड़की अपन के घर पे आने के लिए क्यों आई है? वो हमें स्कूल में बहुत सताती थी, वो दुश्मन है हमारी, दुश्मन। और तो और उसने मुझे क्लास से सरजी से बाहर निकलवाया और उसकी वजह से मुझे स्कूल में कितनी सजा मिली। मीठी माँ, मैंने ताई को धक्का दिया तो उसने मुझे खड़ा करके ताई को कुर्सी पे बिठा दिया और मैंने उसे कहा उठो तो उसने मुझे धमकी भी दी। अच्छा, इसकी आई को उठा कर कुर्सी पे बिठा दिया? हाँ मीठी माँ। कुर्सी? हाँ, नौटंकी। हाथ पैर तो दबाने नहीं आते, दस दस बार तो तुमको बोलना पड़ता है। मीठी माँ, अच्छा छोड़ दीजिए इसे, बच्ची है, छोड़ दीजिए। अच्छा बच्ची है? ये तो बच्ची है, तू तो बच्ची नहीं ना। दोनों को बड़ा शौक हो रखा है कुर्सी पर बैठने का। चल बिठाती हूँ तुझे कुर्सी पर। चल, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?